Hey guys, welcome back. So, दोस्तों आज के वीडियो पे ना सारे ग्रैनी प्लान लगा के ना हमारे लिटिल सिंघम को मार डालते हैं। हाँ गाइस, उसके बाद हमारा लिटिल सिंघम मरता नहीं, उसके बॉडी से लिटिल सिंघम का सोल बाहर आ जाता है। सो गाइस, उसके बाद लिटिल सिंघम का सोल कितना ज्यादा तोड़फोड़ मचाता है और गाइस बीच में ना सिबा के बॉडी से सिबा का सोल भी बाहर आ जाता है। सो गाइस, दोनों का बॉडी से दोनों का सोल बाहर आने के बाद क्या ही सीन होता है लॉस सैंटोस पे, और गाइस ये सब कैसे फिर से ठीक होते हैं, अपने बॉडी से वापस जा पाते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा। इसलिए गाइस अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो गाइस आप भूल सकते हो। चलो गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। लिटिल सिंघम बेटा, बहुत सदियों से इसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली वक्त आ चुका है। आज तू अकेला है, तेरा कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ, तू बहुत ज्यादा कमजोर लाचार निकम्मा बन चुका है पहले से। भाई तुम सब मेरे को मारना चाहते हो, ठीक है मार दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त लोग तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, वादा करता हूँ मैं। ये मैंने बहुत सुना है, लेकिन ये जो मौका मिला है हम सारे ग्रैनी मिलके इसका फायदा तो उठाएंगे बेटा। लिटिल सिंघम आज तो तू यार बचाने वाला कोई भी नहीं है। मैं मानता हूँ मेरा दोस्त अभी लॉस सैंटोस से बाहर है, उन सबको जब पता चलेगा मैं मर चुका हूँ उसके बाद देखना तुम सबके ऊपर क्या गुजरता है। जो भी गुजर जाए देख लेंगे, सबसे पहले तेरे को तो खत्म करेंगे रे लिटिल सिंघम। ठीक है, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम सब बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहोगे। सिबा को ये बात पता चला लिटिल सिंघम मर चुका है तो उसका भी ऐसे पकड़ के मारेंगे। ठीक है भाई, गोली चला दो, जितना खुश गोली चला दो, मैं आज मर जाऊंगा बट तुम जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ये बात तुम अपने जहन में घुसा लो। सिबा तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, सिबा बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा हिम्मत भी है। तू अब क्या बेटा, कोई भी नहीं बचा सकता तेरा, ये ले। चलो गाइस यही वक्त है, उसका गोली मिस हो चुका है, मैं भागता हूँ, तू मेरे को नहीं पकड़ सकता। यहाँ कब तक भागेगा, तुझे मैं तरपा तरपा के मारना चाहता हूँ। सो दोस्तों आसपास पूरा रास्ता बंद है, मैं जहाँ से नीचे कूदूं पूरा मर सकता हूँ। मैं तेरे को तरपा तरपा के मारना चाहता हूँ बेटा। तू मेरे बहुत सारे दोस्त को जैसे मारा था वैसे तेरे को मारना चाहता हूँ। नहीं, तू मेरे कुछ नहीं कर सकता। हटो मेरे सामने से, उसको मैं तरपती हुई देखना चाहता हूँ। भाई मेरे को कुछ नहीं हो सकता। भाई नहीं। चैप्टर एंड लिटिल सिंघम बेटा। बहुत तरपाया तूने हम लोगों को, आज हम लोगों का सुकून का नींद होने वाला है। इतना खुशी आज हम जस्ट मनाएंगे, तेरे जैसे दुश्मन को हमने मार डाला, अब धीरे धीरे लॉस सैंटोस भी जाएगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहना है। एक मिनट भाई, मुझे इतना हल्का क्यों फील हो रहा है, ये तो मैं हूँ, मैं कौन सी जगह पे हूँ, दुनिया कौन सा ही है, ये मेरे को इतना अजीब क्यों लग रहा है, अरे यहाँ पे बारिश हो रहा है। एक मिनट, मेरे को तो ग्रैनी लोग ने मार डाला, ये मेरा बॉडी है, लगता है मैं अपने बॉडी से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन हुआ कैसे भाई, क्या मैं मर चुका हूँ, मेरे को तो लगता है मैं तो मर ही चुका हूँ। अरे दोस्तों मुझे कुछ करना पड़ेगा, अरे मुझे अभी ना सबसे बेहतर लगता है मुझे अपने दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, आई थिंक वो सब बाहर से आ चुके हैं। अरे यार कैसे जाऊँ, मैं कुछ चला सकता हूँ क्या, गाइस मैं इस बॉडी पे बहुत ज्यादा हल्का हूँ बट मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं गाइस साहब, अरे एक मिनट, मेरे को दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बाइक नहीं चला सकता। अरे अरे भाई मैं कहाँ पे आ चुका हूँ गाइस। सो दोस्तों मैं बहुत टाइम से दौड़ रहा हूँ और गाइस एक ऊंचे पहाड़ से मैंने बहुत ज्यादा
जोर से चमका रहा। सो गाइस मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ। सो गाइस मेरे बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं है चलने का, मैं ठीक से बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे किसी का मदद लेना पड़ेगा। सो गाइस मुझे ना कोई देख नहीं सकता, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों गाइस मैं ना दो बंदे के सामने से गुजरा, भाई उन दोनों का रिएक्शन देखने के बाद पूरा शॉक्ड हो जाओगे भाई। ऐसा लग रहा है कोई सामने नहीं है उन सब का। सो दोस्तों मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, मुझे फटाफट मेरे दोस्तों के पास पहुंचना पड़ेगा, लेकिन मेरे शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। अरे गाइस मैं क्या इस लायन के अंदर घुस सकता हूँ भाई? कोशिश करता हूँ इसके बॉडी में जाने का। ऑलराइट एक बार चला जाऊँ तो अच्छा होगा। ऑलराइट भाई मैं सच में एक लायन के बॉडी में हूँ। अरे भाई साहब दोस्तों मैं ना लायन बन चुका हूँ, अभी ना लगता है मैं फटाफट पहुंच सकता हूँ मेरे घर पे। सो गाइस मैं लायन बनने के बाद मेरा फुर्ती बढ़ चुका है, मेरा एनर्जी फिर से वापस आ चुका है और मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ खुद को। लगता है गाइस कुछ घंटों के अंदर मैं अपने घर में जा सकता हूँ। सो गाइस यहाँ से मेरा घर बहुत ज्यादा दूर थे। शट गाइस। सो गाइस अभी मेरे को दर्द हो रहा है। सो गाइस मैं जब सोल हो गया था ना, मेरे बॉडी में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और मेरे बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं था, चलने का भी लायक ताकत नहीं था। सो गाइस मुझे ना भाई किसी का इंसान के बॉडी में घुसना पड़ेगा। अरे इसके बॉडी में घुसता हूँ और यार मैं घुस नहीं पा रहा हूँ। लगता है गाइस मैं सिर्फ ना एक एनिमल के बॉडी में घुस सकता हूँ, मेरे को जितना लगता है। अरे दीदी रुक जाओ ना। अरे गाइस मैं ना किसी इंसान के बॉडी में नहीं जा सकता। सो गाइस इंसान के बॉडी में चला गया तो गाइस मैं ड्राइव करके ना फटाफट घर जा सकता हूँ, नहीं तो गाइस मैं ऐसे दौड़ते दौड़ते जाऊँगा पूरा दिन निकल जाएगा, मैं अपने घर में बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता और सिबा और मोटू हमारे मदद नहीं कर सकता है। सो गाइस उन सबको सबसे पहले बताना पड़ेगा। एक मिनट, अरे यार यहाँ पे तो एक भाई बड़े भाई, इसके बॉडी में घुसने का ट्राई करता हूँ, ये तो एनिमल है। 1 2 3 ऑलराइट लगता आई थिंक मैं घुस चुका हूँ। अरे चलो गाइस उड़ते हैं, भाई साहब मजा आएगा। गाइस फाइनली गाइस मैंने एक बर्ड के बॉडी में घुस चुका हूँ, उड़ उड़ के कुछ मिनट के अंदर जा सकता हूँ। अरे यार मैं ज्यादा स्पीड में उड़ बिल्कुल भी नहीं सकता, मुझे कुछ अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो गाइस मैं क्या फिश में बदल जाऊँ? चलो गाइस कोशिश करते हैं आसपास कोई फिश क्या सांड खे गया उस। ऑलराइट गाइस फाइनली ना मैं एक सांड के बॉडी में आ चुका हूँ। सो उतना ऊपर से गाइस लगता है मैं 5 से 6 मीटर के दूरी से हर एक एनिमल के बॉडी में आराम से घुस सकता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बट गाइस मैं कोई इंसान के बॉडी में नहीं जा सकता, यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और यार अभी ना मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मुझे ऐसे एक बंदे के बॉडी में जाना पड़ेगा जिससे मेरे मदद मिले। एक मिनट गाइस मैं एक स्पीड बोर्ड के अंदर घुस चुका हूँ, लेकिन भाई ये मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है भाई, ऊपर वाला इंसान तो मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैं गाइस मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ गाइस स्पीड बोर्ड को देख पा रहा हूँ। चलो गाइस एक बार जंप करते हैं। ऑलराइट भाई ये ज्यादा ही ऊंचा हो चुका है। चट 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 दोस्तों मेरे को ना स्पीड बोट के बॉडी से निकल के कोई एनिमल के बॉडी में जाना पड़ेगा। सो गाइस सबसे बड़ी खबर, मैं ना कार के अंदर नहीं जा सकता, मैं सिर्फ एक पानी के ऊपर जो है बोट शिफ्ट उनके ऊपर जा सकता हूँ, एनिमल के ऊपर मेरे को इतना लगता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। सो दोस्तों मुझे कोशिश करना पड़ेगा किसी एनिमल के बॉडी में घुसने का, नहीं तो मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ। अरे भाई चलो गाइस बूस्ट लगा के कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अरे नहीं हो रहा है गाइस, भाई यहाँ पे पूरा फंस चुका हूँ, सामने बड़ा सा ऊंट जो है। अरे पास क्या कोई तो एनिमल आ जाओ आसपास। एक मिनट दोस्तों आपको किसी डॉग को नजर आ रहा है? देखो गाइस सामने एक डॉग है। अरे भाई ये तो मेरे पड़ोसी का डॉग है, चलो गाइस इसके बॉडी के अंदर घुसता हूँ। ऑलराइट गाइस मेरे आसपास ना एक डॉग ही था, उसके बॉडी में घुस चुका हूँ, अभी ना मैं आराम से जा सकता हूँ। ऑलराइट गाइस फाइनली मैं रोड पे आ चुका हूँ और गाइस यहाँ से मेरा घर का दूरी 1 मिनट के अंदर है। चलो गाइस मैं अभी फाइनली घर पहुंचूंगा और उन सबको बताने का कोशिश करूंगा सीन क्या है मेरे साथ। आई थिंक गाइस वो मेरी बात समझ पाए और सबसे पहले गाइस वो सब मेरे को एक डॉग के अंदर महसूस कर पाए, भाई मेरा बात सुन पाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा। चलो गाइस नीचे चलते हैं, देखते गाइस मेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या थोड़ी मेरी मदद कर सकते हैं इंसान रूप में फिर से जाने का। अरे गाइस मैं तो पूरा फंस चुका हूँ। एक मिनट, अरे भाई इनके घर में क्या चल रहा है, आई मीन मेरे घर में क्या चल रहा है भाई, मेरे को तो थोड़ा कुछ नहीं मालूम भाई। यहाँ पे इतने ज्यादा बोटल्स है और यहाँ पे डायमंड बॉक्स। अरे भाई साहब एक मिनट ये क्या है, ये तो एक बॉक्स है स्पीकर, लेकिन भाई इतना लंबा स्पीकर, ये तो हमारे घर से भी ज्यादा लंबा है। अरे भाई साहब ये तीनों के तीनों पार्टी कर रहे हैं और इन सबको पता नहीं मैं उनका दोस्त का हालत बहुत खराब है, वो इंसान ही नहीं रहा। अरे गाइस मेरी बात सुनो, ओए गाइस यार भाई मेरी बात तो सुनो, कहाँ पे चले गए यार? मैं निकला घटी लेके हमोर आया, ढिचक 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 भाई मजा आ गया, लिटिल सिंह का भैया तो होते तो
मजा आ जाता। क्या बढ़िया नाच चल रहा है, डांस हो रहा है, डिचक 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 है दोस्तों। और मैं क्या बोलूं भाई भाई, क्या ही बढ़िया लग रहा है, जैसे मैं दूसरे दुनिया में आ चुका हूँ क्या, ज्यादा नशा हो चुका है क्या। ओ बड़बैया, समोसा का नशा हो चुका है हमको, ऐसा ही लग रहा है। बड़बैया बड़े आप कहा चलेगा, लिटिल सिंह भैया मजा आ जाता, मजा आ जाता। ओए दोस्तों भाई, हमारे आसपास से कुत्ता कहाँ से आ गया, भेवर क्यों कर रहा है। अरे दोस्तों मैं हूँ लिटिल सिंघम। और बड़े भैया लगता है कुत्ते को भूख लगा है। अरे यार इसका कुछ खाना दे दो ना यार, लगता है भूखा होगा। अरे कुत्ता रुक जा, हमारे पास ना एक पिज्जा है और वो लिटिल सिंघम भैया का पिज्जा है, तू खा ले। अरे यार तुम मेरे हिस्से का पिज्जा अभी भी रखे हो, अरे भाई ये बहुत अच्छे है। लेकिन गाइस मेरे को छोड़ के सब डांस कर रहे हैं। अरे दोस्तों मेरी बात सुनो, मैं ना एक डॉगी के अंदर आ चुका हूँ यार, मुझे बाहर जाना है यार, मेरी मदद कर दो। अरे यार दोस्तों इसको कोई पिज्जा दे दो ना यार, मेरी बात सुनो। दोस्तों मुझे लगता है इस बॉडी से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा। ये तो मेरी बात लगते सुन नहीं पा रहे, इसलिए गाइस कुछ नहीं समझ पा रहे। अरे यार ये कुत्ता कहाँ से आ गया, लिटिल सिंघम भैया, रुद्रा भैया यार इसको बाहर निकालो यार। अरे मैं हूँ, मैं तुम्हारा भाई, बड़ा भाई लिटिल सिंघम। अरे यार ये तो बड़ा अजीब है यार रुद्रा। अरे क्या हुआ बड़े भैया, ये कौन है? ओए इस तरफ तो देखो बड़े भैया, ये कौन है? अरे लगता है इसे ना मेरी बात सुन पा रहे। अरे दोस्तों भाई तुम मारपीट पे क्यों उतर आ चुके हो, लगता है अभी मेरे को बाहर आना पड़ेगा। चलो गाइस इस बॉडी से बाहर आते हैं भाई, देखते हैं भाई आ पाता हूँ क्या नहीं। ऑलराइट मैं बाहर आ चुका हूँ। अरे दोस्तों मैं हूँ लिटिल सिंघम। एक मिनट गाइस, ये तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे। अरे यार यहाँ पे, अरे यार ये तो लिटिल सिंघम भैया का गला है, लिटिल सिंघम भैया। और बड़े भैया तुम कहाँ पे चले गए, तो बड़े भैया आपको नहीं देख पा रहा हूँ। अरे सुना दोस्तों मैं ना मर चुका हूँ, ये ना मेरा सोल है, मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। अरे यार लिटिल सिंघम भैया कैसे हो रहा है ये तो बड़े अजीब है लिटिल सिंघम भैया, आप मर कैसे गए और आपका बॉडी कहाँ पे है? अरे वो लंबी कहानी है, सबसे पहले मुझे अपने बॉडी में जाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा हूँ और मैं अपने बॉडी से अलग हो चुका हूँ, इतना तो पता चल रहा है। लेकिन हो कहाँ पे आप? अरे तुम्हारे सामने हूँ। अरे यार ये तो बहुत अजीब बात है। अरे दोस्तों कुछ करो, मुझे अपने बॉडी में जाना है, मैं ना एक डॉगी के बॉडी में था, वो जो चॉप नम का डॉग था। अरे यार वो चॉप नम के डॉग तो वो तो पड़ोसी का डॉग है। अरे कुछ करो दोस्तों। ऑलराइट गाइस मोटू ना भी कार पे जा रहा है, भाई ये सब जा कहाँ पे रहा है मेरे को पता नहीं। अरे लिटिल सिंघम भैया मैं आपके बॉडी में जा रहा हूँ। चलो लिटिल सिंघम भैया बस चलो। अरे रुको मैं भी आता हूँ, नहीं तो तुम सबको पता कैसे चलेगा भाई बॉडी कहाँ पे। सुनो हम लोग जहाँ पे घूमने जाते हैं ना हर संडे, वहाँ पे बाजू में मैं भी अकेला गया था, मैंने सुना वहाँ पे कुछ क्राइम हो रहा है, इसलिए मैं पूरा स्पीड में गया अपना कार भगाते हुए, और बाद में पता चला वो सब ना ग्रैनी लोग का प्लान था भाई। ग्रैनी लोग ने पूरा प्लान फिक्स करके मेरे को पकड़ा, और पकड़ने के बाद सारे के सारे मिलकर क्या एक गंदा मेरे ऊपर फाइटिंग करके मार डाला। अभी तुम लोगों को मेरे बॉडी में मेरे को घुसाना पड़ेगा, मेरे को इस बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं मिल रहा और मेरे को अजीब भी फील हो रहा है। लिटिल सिंह भैया आप फिर से मर गए तो? अरे यार मरा हुआ आदमी कैसे मर सकता है फिर से। अरे लिटिल सिंघम भैया आपको कुछ नहीं हो रहा है क्या दर्द? अरे यार मेरे को कुछ दर्द बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात मैं ना किसी एनिमल के बॉडी में आराम से जा सकता हूँ, जैसे कोई बर्ड, लायन, एक डॉगी और एक और पानी के ऊपर जो बोट वोट रहता है उसके अंदर भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं कार के अंदर नहीं जा सकता, कार ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे यार लिटिल सिंघम भैया हुआ कैसे आपके साथ ये सब कुछ? अरे क्या ही बताऊं भाई, वो सब ग्रैनी लोग का प्लान था, लगता है वो सब सबसे पहले मेरे को मारना चाहते हैं, उसके बाद तुम सबको मारना है। अरे लिटिल सिंघम भैया आपका बॉडी कहाँ पे है भाई, वो सब ठीक ठाक है क्या? भाई मेरे को पता नहीं दोस्तों, प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे दोस्तों, अरे यार आप तो मेरे आप लोग फैन लोग को बोलो ना। हाँ आपकी बात तो भूल गया। सो दोस्तों आपने प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो गाइस इनके ऊपर तो मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आपके सब्सक्राइब की वजह से आई होप मेरा थोड़ा मदद हो जाए। गाइस देखो ये सब कैसे अपना कार भगा रहे हैं भाई, एक मरे हुए इंसान को फिर से हार्ट अटैक करके फिर से मार डालेंगे ये सब लोग। अरे दोस्तों प्लीज मोटू प्लीज ठीक से कार भगा यार, क्या कर रहा है गोल गोल। ओ बड़े भैया हमारा कार पहुंचे तो मजबूत है ना, क्या ही करे बड़े भैया आप ही बताओ। हाँ ये टनल से जाओ, फटाफट चलो इस टनल से लेफ्ट साइड पे, और मैं ज्यादा अपने बॉडी से दूर रहा तो मैं बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा, धीरे धीरे पूरा इनविजिबल होके ना मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा। मुझे लगता है मेरे पास सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम सबको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दोस्तों प्लीज कुछ बात करो। अरे ठीक है लिटिल सिंघम भैया आपका बॉडी कहाँ पे है सबसे पहले बताओ। अरे हाँ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कार पार्क करो। सो दोस्तों ये सब मेरे को नहीं देख सकते, ये सबसे बड़ी पूरी खबर है। ओ बड़े भैया कहाँ पे चला गया,
आपका बड़ी हो तो बताओ बड़े भैया। अरे मोटू चल चल, मैं तेरे को बताता हूँ। सबसे पहले मैं और तू जहाँ पे मिले थे ऊपर वाले साइड पे। ओ बड़े भैया मेरे को याद आ गया समोसा। अरे अरे चलो दीदी आपके पास क्या समोसा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, प्लीज प्लीज दे दो ना यार प्लीज। अरे आज कल के पागल बड्डे लड़के कहीं के, मेरे पास कुछ नहीं है रपिद्धि, निकल जाओ यार, तुम सच में कितने ज्यादा घिसपटी इंसान हो। चलो ओ बड़े भैया ये तो पूरा बदनामी कर रहा है। अरे यार ये मोटू कभी नहीं सुधरेगा, जहाँ पे लड़की देखता है वहाँ पे जाके समोसा मांग लेता है, जैसे उसका बाप को फैक्ट्री हो हमेशा। अरे यार मोटू यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ, तेरे को समोसे की पड़ी है कसम से यार, मोटू के बाद ही छोड़ो। अरे शिवा फटाफट ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, सोचो तू काश ये सब मेरे को देख पाते, उसके बाद ना आसानी होता मेरा बॉडी मेरे को दिखाने का दिखाने में। सो गाइस वो सब मेरे को नहीं देख सकते, गड़बड़ तो ये है। ऑलराइट ये रहा मेरा बॉडी भाई, सही सलामत है, किसी ने टच नहीं किया, बट अंदर कैसे जाओ इस बॉडी का। अरे दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, रुद्रा शिवा यार प्लीज यहाँ पे आ जाओ। अरे ये तो लिटिल सिंगम लगते है ऊपर से चिल्ला रहा है भाई, उनको तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ भाई, उनका बातें सुन सुन के जाना पड़ेगा। चलो मैं ऊपर चलता हूँ। क्या कर रहा है शिवा, फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ, वहाँ पे ना हम लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ, ये हमारा बॉडी है। अरे भाई ये तो मर चुका है, ऐसी बात जा। अरे यार भाई लिटिल सिंगम भैया को ग्रैनी लोग ने मारा कैसे, हो तो बड़े खतरनाक है। अरे कहाँ पे चले, अरे लिटिल सिंगम भैया। अरे भाई ये मेरे सोल को भी धक्का मार के फेंक रहा है, आप मर गए। ओ बड़े भैया ये सब मेरे को छोड़ के चले गए भाई, मानता हूँ सब लड़कियों को पीछे करता हूँ भाई, मेरे को ना सिर्फ समोसा का पड़ी है भाई, कोई कुछ भी कर ले। लिटिल सिंगम भैया पे, अरे यार नहीं नहीं, हमारा लिटिल सिंगम भैया हम लोगों को छोड़ के चला गया। अरे दोस्तों चलो इनको बॉडी पे घर पे ले चलते हैं, बड़े भैया चलो। अरे दोस्तों मुझे अपने बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा, सबसे पहले ना इस बॉडी को तुम घर ले चलो भाई, कोई कुछ भी कर सकता है। ओ बड़े भैया चलो वही करेंगे सबसे पहले, वही चलो। सो दोस्तों फाइनली मेरे बॉडी को कार के ऊपर तो लोड कर दिया, बट गाइस मैं अपने बॉडी में कैसे जाऊंगा वही सोच रहा हूँ। अरे लिटिल सिंगम भैया के पीछे बॉडी में काट के घुस जाओ ना यार। अरे चुप यार पागल गई के। अरे दोस्तों मेरे को कुछ करना पड़ेगा, दोस्तों सबसे पहले इसको घर पे ले चलो, उसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकते हैं इसके साथ। लेट्स गो घर चलो फटाफट। ऑलराइट गाइस हम लोग घर पे आ चुके, मेरे बॉडी को एकदम ठीक से खड़ा कर दिया, और दोस्तों यार मुझे अपने बॉडी में जाना पड़ेगा। सो दोस्तों ये तीनों बोल रहे हैं मैं एकदम से अपने बॉडी में घुसने का कोशिश कर तो हो सकता है, लेकिन मैंने पहले भी ट्राई किया है। सो दोस्तों इस बार ट्राई करते हैं, बट इस बार आप लोग मेरी मदद करोगे। सो दोस्तों मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, उसके साथ आपको सोल कमेंट करना पड़ेगा, और गाइस एक चीज करना पड़ेगा वो है सब्सक्राइब। याद से गाइस सब्सक्राइब करने के बाद 1 2 3 कहते ही ना आपको करना पड़ेगा सोल कमेंट, आई थिंक उसके बाद गाइस मैं अपने बॉडी में जा सकता हूं और मैं फिर से बन जाऊंगा अपना लिटिल सिंगम, नहीं तो गाइस मैं एक मुर्दा लिटिल सिंगम हूं। सो गाइस हमारे लॉस एंजेलिस में क्राइम बढ़ जाएगा, सो आप ये सब नहीं चाहते तो फटाफट सो सब्सक्राइब करो, देन गाइस कमेंट करो सोल। सो गाइस मैं घुसने जा रहा हूं, 1 2 and 3 लेट्स गो गाइस, फटाफट सोल कमेंट करो और गाइस सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस घुसते हैं, एक मिनट तो बात नहीं बन रहा बिल्कुल, लगते गाइस जम कर घुसना पड़ेगा। अरे दोस्त मैं अपने बॉडी को टच कर पा रहा हूँ बट इसके अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, भाई साहब क्या ही पूरा फंस चुका हूँ। आ चुका पुत्र क्या हुआ क्या हुआ, अरे पुत्र तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो। एक मिनट आप कौन हो, ऊपर से कैसे खजूर के यहाँ पे अटके, अरे आप कौन हो उतना ऊपर से क्यों कर रहे थे। अरे यार आप कौन हो तत्तू जी, आप ऊपर से कैसे गिर गए। ओए पितर मैं बताता हूँ तुम सब ऐसे मेरे को घूर घूर के देख रहे हो, मेरे को डर लग रहा है पुत्र, मानता हूँ बुढ़ा हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ पुत्र। अरे यार आप कौन हो मेरे को पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुरा फंस चुका हूँ, प्लीज मदद कर सकते हो क्या मेरी, मैं अपने बॉडी में जाने का कोशिश कर रहा हूँ। पुत्र मैं तो तेरे को देख पा रहा हूँ पुत्र, तू पहले से हल्का क्यों लग रहा है पुत्र, ये तेरा इस पार उस पार कैसे देख पा रहा हूँ पुत्र। अरे आप मेरे को देख पा रहे हो, लगता है इस जद्दू के पास बहुत ज्यादा पावर होगा, उसके बाद ये मेरे को देख पा रहे। बहुत बढ़िया दद्दू जी, आई थिंक आप तो मेरा झमेला समझ रहे हो। सो मुझे अपने बॉडी में जाना है, मेरा बॉडी पीछे खड़ा है लेकिन मैं अपने बॉडी में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। 4 फुट के बॉडी में जाना पड़ेगा, 4 फुट पुत्र, उसके बाद उस बॉडी में जाके पुत्र 2 क्राइम को रोकना पड़ेगा, 2 क्राइम पुत्र, हाँ पुत्र, वो भी 1 घंटे के अंदर पुत्र, वो कर लिया तो पुत्र तू फिर से अपने बॉडी में जा सकता है पुत्र। अबे यार ये कैसे कर सकता है, 2-4 फुट का बॉडी यहाँ पे किसका है, इतना छोटा सा लगता है कुर्सी का कद नहीं है। अरे यार ये सब क्या बोल रहे हो यार, ये थोड़ी रोक पाएंगे 1 घंटे में 2 क्राइम, लॉस सैंटोस में कितने सारे क्राइम होते हैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। ओ बड़े भैया ये 4 फुट का बॉडी है किसका, वो सबसे पहले छोटा, ये 4 फुट है कौन है बंदा जो इतना छोटा होगा। दोस्तों लगता है 4 फुट हमारे सामने ही है। अरे यार लड़ देंगे भैया, आप मेरी तरह क्यों देख रहे हो। देख भाई मुझे जिंदा है अपने बॉडी में जाना है तो तेरा की जरूरत है।
अरे नहीं मैं नहीं जाने वाला आपके पास। अरे यार मैं नहीं जाने वाला। एक मिनट भाई तू कैसे समझा, मैं तेरी पर देख रहा हूँ। पुत्र वही सिर्फ 4 फुट का है पुत्र, इसीलिए उसके पास जा, उसके बॉडी में घुस जा पुत्र, उसके परमिशन लेकर पुत्र। अरे लेकिन भाई शिवा तूने मेरे को कैसे समझा? सो गाइस मैंने सोचा था शिवा मेरे को नहीं देख सकता। अरे यार लिटिल सिंघम भैया कहाँ से आ रहे क्या पता। सो दोस्तों वो ना अंदाजे से दौड़ के चला गया, उसके ऐसा ही लग रहा है मैं उसके बॉडी में जा रहा हूँ। सो गाइस उसको तो पता नहीं चलेगा मैं घुस जाता हूँ। ऑलराइट गाइस मैं ना शिवा के बॉडी में आ चुका हूँ। अरे आधा घंटे 1 घंटे के अंदर मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद तू अपने बॉडी ले लियो, मैं मेरा बॉडी ले लूंगा। भाई तू इतना कम छोटा है क्या ही बताऊं भाई, सच में कितना ज्यादा छोटा छोटा लग रहा हूँ मेरे को। सो दोस्तों चलो अब शिवा का आपको स्पीड दिखाता हूँ। ऑलराइट देखो गाइस शिवा क्या बढ़िया से दौड़ पाता है। सो गाइस मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 क्राइम को रोकना पड़ेगा अभी लॉस सैंटोस में, उसके बाद मैं अपने बॉडी में जा सकता हूँ और शिवा अपने बॉडी में जा सकता है। ऑलराइट गाइस सो दोस्तों बॉट ढूंढने के बाद यहाँ पे ना एक अच्छे बंदे का, अमीर बंदे का घर में ना ये सारे बंदे ना कब्जा करके बैठे हैं। और गाइस ये सब ना होलो रोबोट हैं, ये सब देखने में कितना अजीब है यार, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। सो गाइस इनके ऊपर मैं अटैक करूंगा और देखता हूँ गाइस इनको मैं क्या ख़त्म कर पाता हूँ क्या नहीं। ऑलराइट मैं आ चुका हूँ। अरे दोस्तों तुम्हारा चैप्टर एंड, मैं आ चुका हूँ अभी। अरे आ चुका है, मार इसको भाई, हमारे घर में कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता भाई। अभी देखो गाइस कैसे बैंड बजाता हूँ तुम सबका, मिनटों में तुम्हारा खेल खत्म होगा। अरे बेटा ये तो मैंने सिर्फ शुरुआत किया है, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अरे यार ये तो अपने से भी ज्यादा फास्ट है, ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ बंदा क्या खा के आया यहाँ पे। हाँ तेरी प्यास की खेल है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये कौन है भाई? सच में यार शिवा की बॉडी में क्या ही ज्यादा स्पीड में फील कर पा रहा हूँ, मैं पहले से शक्तिशाली महान बन चुका हूँ। गाइस देखो क्या ही मुक्का बाज शॉट मारा मैंने, लगता है ये सब तो मेरे सामने चींटी के समान है भाई, इतने ज्यादा बेकार है सारे के सारे। सो दोस्तों भाई मजा आ रहा है, शिवा का बॉडी भाई बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा हल्का है ना, इसलिए गाइस इसके बॉडी से फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सारे क्रिमिनल को मार दिया। सो गाइस फाइनली एक क्राइम को तो मैंने रोक दिया, चलो गाइस दूसरा कोई क्राइम ढूंढते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है उन सबको ढूंढते पकड़ते हैं। अरे दोनों रुक गए, अभी देखो तुमका बैंड बजाता हूँ, ये तुम्हारा खत्म बेटा, 1 2 एंड 3 लेट्स गो। अभी तू क्या काम से, ये ले आप प्यास की आँख। अरे भाई ये सच में क्या खा के आए, मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते सब लोग, ये लो तेरी प्यास की नमन। भाई तू मरता कैसे नहीं है। चलो गाइस फाइनली लगता है इन सबका चैप्टर एंड हो चुका है, भाई मैं थक चुका हूँ। चलो सो दोस्तों ये लगता है प्रिजन का बंदा है भाई, इनके पीछे पुलिस भागा है। सो गाइस ये सब प्रिजन से भाग के हैं, अभी इन सबको पकड़ के मारना पड़ेगा। चलो दोस्तों फटाफट यहाँ पे अपना जादू दिखाते हैं, 1 2 दोस्तों। चलो अभी मेरा स्पीड दिखाता हूँ, यह तेरी प्यास की नमन। अभी देखता हूँ कौन मेरे स्पीड से भागता है। बेटा तू तो गया, तू कहाँ पे फायरिंग कर रहा है। चलो गाइस इसका भी दी एंड करते हैं, 1 2 एंड 3। ऑलराइट क्या ही बढ़िया शॉट मारा। सो दोस्तों आप बताओ मेरा स्पीड सच में कितना बढ़िया है, क्या मैं शिवा के बॉडी में पहले से ज्यादा तेज बन चुका हूँ। अभी गाइस देखो इसको कैसे उठा के पटकता हूँ, 1 मिनट ये तो पुलिस है। अरे शिट गाइस क्या ही जोर से मारते हैं इसको। सो भाई ये शिवा का बॉडी कितना ज्यादा फास्ट है। ऑलराइट गाइस मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, और गाइस फाइनली मैंने 2 क्राइम को रोक दिया, वो सब प्रिजन के भागे हुए बंदे को बहुत गंदी तरह फैला। और गाइस इसी के साथ मेरा पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो गाइस पूरा खत्म होने से पहले मुझे घर पहुँचना पड़ेगा और अपने बॉडी में घुसना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस अरे तो तुझे फाइनली आ चुका हूँ, अब क्या करूँ। अरे बेहतर तू सच में कितना अच्छा, ग्रेट है पुत्र, ग्रेट। और बेहतर अब तू अपने बॉडी में जा सकता है पुत्र। चलो गाइस कोशिश करते हैं अपने बॉडी में, जय हो दोस्तों। अरे तू सच में हो गया बड़े भैया, ओ बड़े भैया आप जिंदा हो गए, मर चुके हो बड़े भैया, ओ बड़े भैया। अरे दोस्तों मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई भाई मैं अपनी बॉडी में आ चुका हूँ, भाई कितना ज्यादा लंबा बन चुका हूँ। सो गाइस मैं हूँ ही कितना लंबा। अरे थैंक यू दद्दू जी, आपकी मदद से मैं फिर से अपनी बॉडी में जा सकता हूँ। अरे लेकिन मेरा क्या होगा लिटिल सिंह भैया। 1 मिनट है तो शिवा का गला है। अरे शिवा पुत्र तू अपनी बॉडी में घुस जा पुत्र। हाँ तू अपने बॉडी में चला जा, अब क्या होगा, तेरे बॉडी से तो मैं बाहर आ चुका हूँ। भाई शिवा थैंक यू सो मच, तूने अपने बॉडी को मेरे को यूज करने दिया, मैं आसानी से अब अपने बॉडी में आ चुका हूँ। अरे चल मैं चलता हूँ। अरे तो नहीं हो रहा, अरे यार नहीं हो रहा लिटिल सिंह भैया। अरे यार तू अपने बॉडी में नहीं जा सकता। अरे मुझे आपके बॉडी में जाना है। अरे मैं नहीं दे सकता, मेरा बॉडी में तेरे को बिल्कुल भी नहीं देने वाला, मैं आपको मार दूंगा लिटिल सिंह भैया। आपने मेरा यूज किया है, यूज किया। अरे नहीं मुझे अपना ताकत चाहिए।
अरे नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। अरे दोस्तों, मेरे को नहीं पता था यार, मैं उसके बॉडी से बाहर आने के बाद वो अपने बॉडी से बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा। सो गाइस, मैं उसको ठीक से भी नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे को इतना पता चल रहा है वो मेरा पीछा कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है भाई। उसके हाथ में लग गया तो कसम से मार डालेगा। लडल सिंह भैया, तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं। अरे भाई, तुम सब मेरे को छोड़ के पार्टी कर रहे थे, इसलिए इन सब का सजा है सिवा। अरे दोस्तों, आपको वीडियो चल तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मेरे को नहीं छोड़ने वाला।